अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। गंगा और यमुना नदियों का पवित्र जल भी वहां भेजा गया है। राजस्थान के गांवों में तराशे गए बलुआ पत्थर के स्लैब 700 से ज्यादा कंटेनरों में अबू धाबी ले जाए गए। एक्सटीरियर ऑफ द मंदिर इज एंटायरली राजस्थानी रेड सैंडस्टोन। द एंटायर कार्विंग हैज बीन डन बाय वेरी टैलेंटेड हैंडक्राफ्ट्समैन फ्रॉम इंडिया। और ये जो और अंदर का जो पूरा मंदिर है वो इसमें मार्बल यूज किया है। ये पूरे मंदिर में स्टोन्स को अटैच करने के लिए कहीं पे भी स्टील या आयरन का यूज नहीं किया है। इट्स लाइक एन एंटायर जिग्सॉ पजल। मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदियों का पवित्र जल बहता है। ये विशाल कंटेनरों में भारत से भेजा गया था। जिस तरफ गंगा का पानी बहता है उसमें एक एम्फी थिएटर भी है। उसे घाट के आकार में डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप जो मंदिर देख रहे हैं वो है तीन नदियों के संगम पे बना हुआ है। सो गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे राइट में है गंगा है, वहाँ पे एम्फी थिएटर बनाया हुआ है। एम्फी थिएटर सेम लाइक द वाराणसी का गंगा जो घाट है वहाँ पे बैठ के हम यहाँ पे बैठते हैं, स्टेप्स पे बैठते हैं, गंगा नदी बह रही है और जो आरती होती शाम को, तो यहाँ पे भी सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आरती होगी। लकड़ी के जिन ट्रंकों में पत्थरों के स्लैब पैक किए गए थे उनका इस्तेमाल कर मंदिर के लिए फर्नीचर बनाया गया है। इसमें टेबल, कुर्सियां और जूता रैक भी शामिल है। The pallets that were brought here, the stones that were brought here in pallets, something as small as a 5 kg to 20 tons. And through all this period, must have had more than 700 shipments coming across. Not a single piece had been broken. The pallets then were used to make the beautiful benches, the chairs, the tables, everything that we have in the orchard here. कुल 27 एकड़ में फैले मंदिर का काम 2019 में शुरू हुआ। मंदिर के लिए जमीन UAE सरकार ने दान में दी है। तीन और हिंदू मंदिर दुबई में है। अबू धाबी BAPS मंदिर खाड़ी इलाके में सबसे बड़ा है।